ओवरी में सिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो चॉकलेट सिस्ट के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल ऐसे बहुत से पेशेंट देखने में आ रहे हैं और यह वो सिस्ट है जिसका ट्रीटमेंट सही समय पर सही तरीके से करना, सही एक्सपर्ट के द्वारा करना बहुत जरूरी होता है। यह वो सिस्ट है जो बहुत ही यंग वुमेन में मिलती है, 18, 19, 20, 25, किसी भी यंग एज में ये सिस्ट मिल सकती है। इस सिस्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह सिस्ट नंबर एक पेनफुल बहुत होती है। ज्यादातर लोगों में इसके साथ बहुत अधिक दर्द होता है, क्योंकि यह सिस्ट कैंसर तो नहीं है। मैं अभी अपने सभी पेशेंट्स को ये बात बताती हूँ कि कैंसर नहीं है, बट कैंसर की तरह ये अपने आसपास के ऑर्गन्स को खाना शुरू करती है और आपके अंडकोश में जो अंडे हैं उन अंडों को खाकर ही ये सिस्ट बड़ी होती है। इसीलिए आपकी फर्टिलिटी पे इसका बहुत अधिक असर पड़ता है। दूसरी इसकी खराब चीज है कि रिकरेंस बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इन सिस्ट में दोबारा से अगर आपने लैप्रोस्कोपी से सिस्ट हटवा भी ली तो दोबारा से सिस्ट होने का चांस 20-50% तक हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह सिस्ट जो है आंतों से, पेशाब के रास्ते से, पेशाब की थैली, ब्लैडर से, यूरेटर से चिपकी हुई होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यूट्रस के पीछे भी यह सिस्ट चिपक जाती है और जिसकी वजह से मरीज को दर्द बहुत ज्यादा होता है और इसका ऑपरेशन करते समय इन सारे ऑर्गन्स में भी चोट लगने का खतरा हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है, नंबर एक आपकी उम्र कितनी है, नंबर दो कि आप दर्द के लिए डॉक्टर के पास आए हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, नंबर तीन आपकी उम्र कितनी है, नंबर चार आपका ऑपरेशन जरूरी है कि आपकी दवा जरूरी है। अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास आए हैं तो आज हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम आपके शरीर अंडकोश में जो अंडे कम हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं। लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा भी बहुत बारीक तरीके से अगर हम सिर्फ सिस्ट हटाते हैं तो यह पूरी कोशिश रहती है कि आपके अंडों को जितना हो सके बचा सके। फिर भी यह बहुत जरूरी है कि सिस्ट हटाने के बाद भी आप हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। सिस्ट हटाने के बाद अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर के पास गए हैं या पेन के लिए गए हैं या दोनों चीजों के लिए गए हैं तो 3-6 महीने बाद आपको दोबारा से डॉक्टर को विजिट करके अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। नहीं तो अगर दोबारा से ये सिस्ट होती है फिर अंडे बनाने की क्षमता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चॉकलेट सिस्ट को जो एंडोमेट्रियोमा जिसको हम कहते हैं और यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस का ये पार्ट होती है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के जो एक्सपर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं उनके पास ही जाके आपको इसका ट्रीटमेंट कराना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड्स हैं, आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप रिश्तेदार में हैं, आप परेशान हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या 9839308777 पर अपनी रिपोर्ट्स भेजकर आप जरूर से मुझसे ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ ओवरी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कुछ भी और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं उसको कोशिश करूंगी आपको सॉल्व करने की। और अपने इस वीडियो को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ओवरी के टॉर्शन के बारे में, जिसमें ओवरीज घूम जाती हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में।